आज हमारी मुर्गी ने, हमने 16 अंडे रखे थे तो 16 का 16 बच्चे हमारी मुर्गी ने माशाल्लाह निकाल लिए। देखो ये पूरे बच्चे हैं, 16 बच्चे ये रखे थे अंडे, 16 का 16 हमारे बच्चों की मुर्गी बच्चे निकाल लिए हैं। हम आपको दिखाते हैं ये मुर्गी थी, ये मुर्गी है, इसके अंदर बैठे कुछ मार रही है, ये बैठ जाएगी। चुको नीचे ले ले बच्चे, देखो अपने आप नीचे अंदर जा रहे हैं, मेरे पास में देखो ये देखो ये देखो हो गई, बैठ जाएगी माशाल्लाह। हमने 16 अंडा रखे, 16 के 16 बच्चे निकाले मुर्गी ने, पूरे असील मुर्गे हैं, पूरे असील प्योर असील मुर्गे, गागस और असील के बच्चे हैं। हाँ मुर्गे ये हमारा फार्म है, गोल्डन मुर्गी फार्म, बच्चे वो अंदर अभी इनको वापस सेट करेंगे एक बार। तो ये था हमारा एक छोटा सा फार्म, हमने आपको दिखाया, देखिए अंदर का फार्म, रात के समय मुर्गी यहाँ बैठ जाते हैं पूरे। हमने 16 अंडे लगे, 16 बच्चे हमारे निकाल लिए। ये तो बाहर का नज़ारा देखो, ये बाहर का फार्म है, ये बाहर हम इनके पेड़ पौधे लगा रखे हैं ताकि रात के समय कीड़े मकोड़े बैठे तो खाए। हमारे पास कोई फीड नहीं है, हम देसी घर का खाना देते, बाजरा चावल दाल जो भी हमारे घर का खाना बचता है वो हम उनको देते हैं, और मुर्गों को हम फ्री रेंज यानी कि खुले में छोड़ देते हैं। सुबह सुबह इस फार्म से इनको हम निकाल देते हैं और सारे दिन बाहर यहाँ इस पेड़ों में यो देखो, ये हमने 2 पेज बना रखा है ये 2, ताकि बिल्ली अंदर दिन के समय इधर आ जाते हैं, रात और दोपहर को यहाँ आ जाते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं पेड़ ना, और दिन में इधर घूमते रहते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारा ये देखो असील मुर्गा, प्योर असील मुर्गा, देखो ये प्योर असील मुर्गा, ये इसके बच्चे हैं पूरे 16 बच्चे। ये देखो मेरे को देखे कैसे कर रहे हैं, ये देखो गागस मुर्गे का बच्चा, ये हमने सब पूरे बच्चे हमने घर में निकाले, हमारे पास हर वैरायटी के। ये देखो टेढ़ी मुर्गा खड़ा है, ये टेढ़ी मुर्गा, ये टेढ़ी मुर्गी, ये कड़कनाथ मुर्गी, ये असील मुर्गी पट्टी छोटी, उधर वाले पूरी कड़कनाथ, देखो बच्चे आराम से घूम रहे हैं। ये तो एक आगस मुर्गा है हमारा, ये इसके अंदर मुर्गी अंडे दे रही होंगी, ये तो टेढ़ी मुर्गी। हमारे पास कोई वो नहीं है, फीड वाला नहीं है, बिल्कुल देसी मुर्गे हैं। औ औ औ औ अदम उनको बुलाते हैं अभी, अरे आजा 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 आजा, देखो अभी पूरे आएंगे भाग के आएंगे बुलाने से, आजा खाना खा लो, आजा आजा औ औ आजा आजा आए, उनको बाजरा देखो हमने बाजरा डाल रखा है, आजा आजा आजा, जो पूरे आ गए दौड़ के मेरे पीछे, पूरे आ गए भी भाग भाग के आ रहे हैं। खाओ बाजरा खाओ, ये देखो उधर अपने बच्चों को खाना खिला रही है, वो पेड़ के जो पड़ते हैं ना कीड़े, खाना बहुत कम खाते हैं ये, कीड़े बहुत खाते हैं, जितने कीड़े मकोड़े जो भी गिरते हैं ना वो पूरे खा लेते हैं वो पूरे। ये दो बच्चा है, ये पट्टा हमारा, ये दो कड़कनाथ मुर्गा देखा आपने, ये हमारा कड़कनाथ मुर्गा देखो, ये कड़कनाथ मुर्गा, वो गागस मुर्गा, ये चित्ता मुर्गा बच्चा लाया हमने, बहुत लड़ाई का फाइटर, अभी बच्चा है ये 4 महीने का, बहुत फाइटर है। ये देखो कई बोलते हैं कि अंडे 50 रुपये में छेल नहीं था, हमारा अंडा 50 रुपये में जाता है,
अभी तकरीबन हम मुर्गियों को बच्चों पर बैठाएंगे, अभी अंडे बेचेंगे ना, हम सर्दी में बहुत अंडे बेचे हमारे 15-16 पर डे अंडे के होते थे, पूरे बिक जाते थे, कई बच्चे निकालने के लिए जाते थे, कई खाने के लिए जाते थे, कोई बोलते ना 50 का नहीं, हम 50 रुपये कम देते नहीं, गाँव में हमारे गाँव में सेल हो जाते हैं, इनका ज़्यादा खर्चा नहीं है, इनका 100 रुपया खर्चा है, बाजरा डालते हैं और सब्जियाँ डाल देते हैं और घर का तो खाना बचता है ना, रोटी चावल दाल वो डाल देते हैं, वो खा लेते हैं, इसी में खुश है, इनमें एक्स्ट्रा कोई दवाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दाना देने की जरूरत नहीं है, जो हमारा देसी दाना है हमारे जो ये बन बाजरा गेहूँ वो डाल देते हैं, उनको गेहूँ का आटा डाल देते हैं, आराम से खाते रहते हैं, मजे से फिरते रहते हैं, कोई दवाई वगैरह कोई नहीं, यह बच्चे 6 महीने से तैयार होता है, एक मुर्गा 6 महीने से 2 kg 1.5 kg का लगभग होता है, अगर दाना देके करेंगे ना फीड तो ये 1-2 महीने में तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम प्योर देसी मुर्गे पाल रखे हैं गाँव में, जो प्योर होते हैं ना गाँव में, वो मुर्गी है हमारे पास, आप देख लो आराम से घूम रहे बाहर पूरे एक एक पूरे फ्री एरिया में घूम रहे, अभी दिख नहीं रहे आपको, दूर दूर घूम रहे, कोई कहीं घूम रहा, कोई कहीं घूम रहा, इनको फिर सुबह निकालते हैं शाम तक अपने आप खाते रहते हैं, हमारे पर डे के 1000 रुपये आराम से बचते हैं इनका खर्चा निकाल के, अभी हम अंडे बंद कर देंगे क्योंकि अभी गर्मी आएगी ना, तो अंडे बंद करेंगे और बच्चे निकलाएंगे, जितनी मुर्गियां सबसे बच्चे निकाल के हम 200-250 कर लेंगे अगले सीजन सर्दियों में, तो फिर आराम से बस का खर्चा चलता है अपना भाई, हम इनको सुबह छोड़ देते हैं 2-3 घंटे बाद फिर खाना देते, भी देखते हैं और दूसरा काम करते रहते हैं घर का, इनको कुछ नहीं करते, क्योंकि हमने चारों तरफ इनको जाली की और लोहे की जाली लगा रखी है, जिसमें बिल्ली कुत्ता कुछ ना बसे, एक एकड़ का एरिया 1 एकड़ में आराम से घूमते रहते हैं, ये हमारे बगल में एक बकरी फार्म है जो हमारे परिवार का, देखो ये वो बकरियाँ पालते हैं, वो भी हरदम इधर देखते रहते हैं, इन बकरियों की जो मींगनी होती है उनमें जानवर हमारे इस तरफ आते थे, वो मुर्गा खा रहा नहीं, वो पूरे कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, उधर गाय भैंस पाल रखी है पड़ोसी ने, उनकी गाय में खाद भेज के पूरे कीड़े मकोड़े आते हैं, उधर खेती कर रखी है उनके जानवर आते हैं, तो उनको हमारे मुर्गों को फुल विटामिन मिलता है, कोई दवाई देने की जरूरत है ही नहीं इनको, बिल्कुल कॉस्टली एकदम प्योर अंडे है ये अंडे, मुर्गी अंडे छोटे देती है क्योंकि प्योर देसी मुर्गी है, छोटे अंडे देगी, और जो फार्मी वाला अंडे मोटे होते हैं ये छोटे अंडे थे और बहुत कॉस्टली होते हैं, अंडों की डिमांड रहती है, अभी भी आज बंदे बोलते हैं अंडे यार में अभी देखते हैं कुछ अंडे कम करके बच्चे निकलेंगे फिर देखते हैं कितनी मुर्गियाँ बचती है, ये 20-22 अंडे देती है फिर वो अपना छोड़ देती है, फिर अंडे देने शुरू कर देती है कड़कनाथ अंडे, तो कंटिन्यू अंडे देती है रसीद और गागस 15-15 अंडे भी देती है, ज़्यादा अंडे नहीं देती, लेकिन उनका अंडे बहुत कॉस्टली है, ये देखो असील पट्टी दिखाऊँ आपको, ये देखो कहाँ चुक रही है बाजरा, बाजरा बहुत कम खाती है, इनको कीड़े मकोड़े बहुत में, तो ज़मीन में देखो ये हम गोबर ला के डाल देते हैं, गोबर में कीड़े बनती है ना, तो निकाल निकाल के खा रहे हैं, हमने राख भी डाल रखी है, देखो वहाँ बाकी राख के अंदर वो लोट लेना तो इनके अंदर जो जुए वगैरह वो नहीं पड़ती है, फिलहाल हमारे इनके जुए नहीं है लेकिन फिर भी वो राख के अंदर लौटती है, तो महाराज मैं ये बोलता हूँ भाई जिसके पास काम नहीं है ना, अपने एक मुर्गा मुर्गी ला के उनके बच्चे निकाल के धीरे धीरे अपना फार्म बना लो और उसे आपके आराम से आमदनी चलेगी, आराम से अपना उनका कर लो, चीज छोटी जगह में भी हो जाता है, यानी बड़ी जगह की जरूरत नहीं कि बड़ी जगह हो, छोटी जगह में भी हो जाता है, देखो ये मुर्गे अपने रेत में कुछ कीड़े खा रहे हैं, देखो ये कीड़े खा रहे हैं, देखो निकाल निकाल के देखो, ये तो अब तो बोले तंदुरुस्त है, बहुत मस्त है, बहुत भागते हैं उड़ते रहते हैं, कोई ये नहीं कि बिल्कुल बहुत, वो मुर्गी कितने ऊपर चढ़ रही है देखो, उड़ जाते हैं, इनको बीमारी नहीं है, बहुत तंदुरुस्त है, बहुत अच्छे, ये देखो कितना मस्ती कर रहे हैं, अच्छी आमदनी ऐसी बात नहीं, इनका घर को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अच्छा पोस्टिंग मिलना चाहिए इसको, ऐसा नहीं खाना अच्छा नहीं मिले तो फिर, अच्छा खाना मिलना चाहिए इनको, अच्छे रखो इनको, सांस पर रखो फार्म की, सांस पर रखो गंदगी नहीं होने दो, ये बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, इनका अंडा आराम से 50 रुपये का सेल होता है, 50 में मिलता है, और नहीं और दिन अंडा कहाँ मिले, फार्म वाले अंडे नहीं तो फार्म जो दाना डाल के बनाते दाने वाले मुर्गे नहीं कि 2 महीने में मुर्गा 5 kg का कर दिया, नहीं ये आराम से अपने कुदरती होते हैं मोटे, धीरे धीरे होते हैं, कोई मिलावट नहीं है, देखो पूरे रसील और कागज मुर्गे हैं हमारे पास, 4 वैरायटी बताई, रसील गगस टेणी और
कड़कनाथ, ये चार क्वालिटी है, चार को भी अभी भारत में बहुत डिमांड है। कड़कनाथ के अंडे बहुत ही काले मिलते हैं, बिल्कुल काले अंडा देता है, बिल्कुल काले। तो ये था हमारा छोटा सा पोल्ट्री फार्म। फिर हमको आपको दिखाते हैं लास्ट में एक असील मुर्गा और असील मुर्गी। ये देखो हमारा असील मुर्गा और असील इसकी बच्ची, इसी के बच्चे कड़ाई हमने आज 16 आपको हमने दिखाई। ये